हेलो स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के पांच पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे और इसका ये लास्ट पोर्शन हम करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ एच ओ एक्स एडिशन ऑफ एच ओ एक्स एक्स टू के सिमिलर है बस वहाँ पर दोनों एक्स एक्स होते हैं यहाँ पर एक ओ एच और एक एक्स है तो एडिशन ऑफ एच ओ एक्स या हम इसको एक्स टू प्लस वाटर के फॉर्म में भी देख सकते हैं इसको हाइप एसिड बोलते हैं रिएजेंट अगर हम बात करें तो मैंने बताया दिया ऊपर हेलोजन के साथ तो वाटर यूज करते हैं ये दोनों कॉम्बाइन फॉर्म में एचॉक्स लिखे जाते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है एचॉक्स का वो देखिएगा आप लोग वाटर है वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है एक्स टू एलोजन है हमें पता है हेलोजन के अंदर एक हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज अगर ये बोन या सिप्टोगा इस पर नेगेटिव हो जाएगा इस पर पॉजिटिव हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इसको पॉजिटिव को डोनेट करेगा इससे ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा अब नेट कंडीशन पे जो हैलोजन नेगेटिव बना है वो नेगेटिव प्रोटोन के रूप में इसको बाहर करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जिससे कि ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस एप्यर हो जाएगा और एचोक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा इसलिए हम रिएजेंट के रूप में जनरल जो यूज करते हैं ब्रोमिन वाटर और क्लोरिन वाटर को यूज करते हैं आगे बात करते हैं रिएक्शन एल की इस पर एक्स टू प्लस वाटर ले लो चाहे एचोक्स ले लो जहाँ पर ध्यान रखना एक्स बराबर क्लोराइड ब्रोमाइड एडाइड होता है फ्लोरिन ऑक्जी एसिड से नहीं बनाता उसकी ई एन मोर होने के कारण क्योंकि ऑक्सीजन की एन भी आई है फ्लोरीन की भी आई है तो दो मोर एन वाले ग्रुप कॉम्बाइन नहीं होते इसलिए यहाँ पर फ्लोरीन को म्यूज नहीं करेंगे और प्रोडक्ट जो बनेगा उसको हम हेलो हाइड्रीन बोलते हैं अब बात आत आती है मैकेनिक याद रखिए इसकी मैकेनिक में मैंने भी कहा था सिमिलर टू एक्स टू है उसमें भी पहला स्टेप ये था अटेक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एलोनियम कैटाइन तो इसमें भी यही होगा कि पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ये साइक्लिक हेलोनियम केटाइन का फॉर्मेशन होगा तो आप देखिएगा ये एल्किन है इस पर यह एक्स है ये पाई बॉन्ड जैसे ही मान लीजिएगा इधर शिफ्ट कर दो चाहे इधर शिफ्ट कर दो क्योंकि दोनों तरफ अभी सेमिट्रिकल कार्बन है तो मैंने पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट कर दिया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ये आपका ग्रुप इस पर जुड़ जाएगा अब आप देखिएगा कि एक्स लोन पेयर कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल है तो अपना लोन पेयर डोनेट करके रिंग बना लेगा इसको हम साइक्लिक हेलोनियम आयन कहते हैं आगे बात करते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियो फाइल अटेक ऑफ न्यूक्लियो फाइल में अगर हम बात करें तो अब अब यहाँ पर आपका जो वाटर है डायरेक्ट आप चाहो तो एक्स यूज क्या नाम है ओ एच माइनस यूज कर लो और वैसे नहीं करना चाहो पूरी रिएक्शन करना चाहो तो पूरी रिएक्शन कीजिएगा मैं यहाँ पर एच ओ एच वाटर को यूज कर रहा हूँ वाटर में अपना ऑक्सीजन लोन पे डोनेट करेगा इसको ये वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ से प्रोटोन रिमूव हो जाएगा ये जो प्रोटोन रिमूव हुआ है वो किसके वाया रिमूव हुआ है जो एक एक्स आपका जो बच रहा था उसके वाया ये रिमूव हो जाता है और यहाँ से इस एलोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है हाँ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है की पॉइंट की पॉइंट इसके भी एक्स टू के सिमिलर है पहला की पॉइंट वो साइक्लिक साइकिल बनेगा अर्थात साइक्लिक साइक्माइन का फॉर्मेशन होगा दूसरा रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल साइक्लिक फॉर्म होने के कारण रीअरेंजमेंट नहीं होगा रिएक्टिविटी ऑफ एचॉक्स की अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ एचॉक्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन पर डिपेंड करेगी और रिएक्टिविटी ऑर्डर वही थ्री टू वन होगा अगर डिफरेंट एवलोजन होगा तो उसकी रिएक्टिविटी आयोडाइड की वही पहले की तरह आयोडाइड ब्रोमाइड कलोर में आयोडाइड की ज्यादा होगी और रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक कैटाइन पर भी डिपेंड करेगी ये की पॉइंट है जो लगभग सभी रिएक्शन में कॉमन है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है हाँ अब इसके लिए मैं मेन जो पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ एडिशन जैसे एक्स का एडिशन एंटी होता है ये भी एंटी एडिशन है एंटी एडिशन का मतलब है आपका ओ एक्स और एच ओ और एक्स दोनों अपोजिट साइड से जुड़ता है सबसे मेन है बच्चा इसमें गलती ये करता है कि एच ओ एक्स में वो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का डिसीजन नहीं कर पाता याद रखना ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स से ज़्यादा होगी क्योंकि मैंने भी कहा था कि फ्लोरिन यहाँ पर हो नहीं सकता अगर फ्लोरिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन की एन हमेशा हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी इस पर इसका मतलब ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने ऑप्टेट करेगा तो इस पर नेगेटिव आएगा इस पर पॉजिटिव आएगा इसलिए एक्स बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल ओ एच बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल आगे बात आती है रिजियो केमिस्ट्री अगर मैं रिजियो केमिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर हमेशा मार्कोनी ओफ रूल का फॉलो होगा किसका फॉलो होगा मार्कोनी ऑफ रूल का फॉलो होगा हाँ प्रोडक्ट यहाँ पर स्टील स्पेसिफिक एक्स टू में भी स्टील स्पेसिफिक होता है यहाँ भी स्टील स्पेसिफिक होता है लेकिन एक्स टू वाले में मीजो के साथ साथ रेसेमिक मिक्सर दोनों बनते हैं लेकिन याद रखना यहाँ पर केवल रेसेमिक मिक्सर बनेगा मीजो नहीं बनेगा क्यों क्योंकि जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसमें कोई भी प्लेन ऑफ जीमेट्री नहीं होगी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहीं बताया हो आपको टू पेंटीन और थ्री पेंटीन के केस वाली बात अब हम इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं मैंने एग्जाम्पल लिया है इस पर मैं एक्स टू प्लस वाटर का एडिशन करवाना चाहता हूँ तो देखो मैंने भी पीछे एक बात बताई थी कि रिएक्टिविटी ऑफ एचओ एक्स इज डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन अर्थात स्टेबिलिटी ऑफ कैटाइन पे डिपेंड करती है कैसे डिपेंड करती है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड यहाँ भी शिफ्ट हो सकता है पाई बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है यहाँ पॉजिटिव लगेगा वन डिग्री होगा यहाँ पॉजिटिव लगेगा थ्री डिग्री होगा तो आप देखिएगा मैंने दोनों कैटाइन बनाए ये थ्री डिग्री का कैटाइन है और ये आपका वन डिग्री का कैटाइन है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसकी स्टेबिलिटी कम है अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो ये मोर फॉरमिट होगा या लेस फॉरमिट होगा तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट मेजर होगा इससे बनने वाला प्रोडक्ट माइनर होगा हाँ अब इसमें कुछ स्पेशल से एग्जाम्पल्स मैं कराऊंगा बाद में आपको कुछ एग्जाम्पल्स ख़ुद को भी करने होंगे ये प्रोपीन पर एच एच ओ आई का कर एडिशन करवाया तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर कौन होगा आई प्लस तो आई प्लस अटैक करेगा कहाँ पर बाहर वाले कार्बन पर आउटर कार्बन पर ओ एच का अटैक करेगा इनर कार्बन पर यह प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसे साइक्लो एक्सिन है इस पर वो एच ओ सी एल एच ओ बी आर किसी का भी करवा दो एंटी एडिशन है याद रखना दोनों अलग अलग प्लेन पर होंगे तो देखिएगा अगर क्लोरीन वेज लाइन डेस लाइन वेज लाइन पर है तो ओ एच डेस लाइन पर होगा अब अपोजिट भी बन सकता है तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटी है ऐसे ही एक एग्जाम्पल एच के साथ ही लिया ये एग्जाम्पल पहले भी बता चुका हूँ मैं मिथाइल पे पॉजिटिव चार लगेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे और जब यहाँ पॉजिटिव चार लगेगा तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेबल कैटाइन मिथाइल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज के साथ बनेगा अब आप देखिएगा एच में दोनों अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ेंगे अगर ओ एच वेज लाइन से डेस लाइन से आ रहा है तो आपका क्लोरीन जो है वो वेज लाइन पर आएगा ऐसे ही इसका अपोजिट भी हो सकता है कि आपका ओ एच डार्क लाइन से आ रहा है तो आपका क्लोरीन डेस लाइन से आ जाएगा अर्थात पेयर ऑफ एनियोमर्स बनेगा और पेयर ऑफ एनियोमर्स को हम क्या बोलते हैं रेसेमिक मिक्सर अर्थात यहाँ पर प्रोडक्ट रेसेमिक मिक्सर बन रहा है और इसी रेसेमिक मिक्सर के फॉर्मेशन के कारण हम ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के मिरर इमेज है बट नोट्स सुपर इम्बोज है और नोट्स सुपर एम्बोज होने की वजह से ही इनको हम पेयर ऑफ एनियोमर्स के रूप में जानते हैं अगला एग्जाम्पल लिया मैंने बेंजिन रिंग पर सी डबल पॉइंट सी एच टू एच ओ सी एल देखो कैटाइन यहाँ भी बन सकता है यहाँ भी यहाँ बनेगा तो वन डिग्री और यहाँ बनेगा तो आपका टू डिग्री लेकिन ये टू डिग्री के साथ साथ तो बेंजैलिक भी होगा तो मोर स्टेबल कैटाइन ये है तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू मार्कोनियप यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल ओर अटैक अच्छा करेगा प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया इसमें इसमें भी ये एच पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये टू डिग्री का और ये कौन से है वन डिग्री का अब देखो कि अगर साइक्लिक कैटाइन वाली कंडीशन नहीं होती तो यहाँ से रीअरेंजमेंट होता है हाइड्रोजन का और थ्री डिग्री कार्ब टाइम पर चला जाता लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट साइक्लिक फॉर्म में बनता है इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होगा इसलिए न्यूक्लियर पायल इसी कार्बन पर आपको लगाना होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करते हैं मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया ट्रांस एल्किन का इस पर एच का रिएक्शन कराया हमें पता है कार और टाम वाली कंडीशन टी ए एम तो यहाँ पर प्रोडक्ट मीजो बनना चाहिए था लेकिन मैंने अभी ऊपर ही बता दिया था कि स्टीरियो स्पेसिफिक में यहाँ पर क्या रेसियमिक मिक्सर बनेगा मीजो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है मीजो से मतलब क्या है आप देखिएगा ये कार्बन करेल सेंटर है ये कार्बन भी क्रेल सेंटर है अब आपको पता है मीजो के लिए एट लिस्ट टू करेल सेंटर प्लस वन पोस्ट होना चाहिए तो इसमें दो के सेंटर तो है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है अर्थात इस मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकता इसलिए यहाँ पर पेयर ऑफ एनियो बनेगा जिसको हम रेसेमिक मिक्सर कहते हैं नेक्स्ट मैंने सिस लिया है सिस के साथ वो इंट्रोड्यूसन करेंगे तो कार कार के हिसाब से वही पेयर ऑफ एनियोमर्स बनेगा ऐसे ही ट्रांस लेंगे एच के साथ कराएंगे तो भी पेयर ऑफ एनियोमर्स बनेगा अर्थात यहाँ पर के और पेयर ऑफ एनियोमर्स अर्थात रेसेमिक मिक्सर का ही फॉर्मेशन होगा मीजो कंपाउंड नहीं बनेगा क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है हाँ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने ये एग्जाम्पल आपको खुद को सोल्व करना है ये दिए गए जो कंपाउंड है इनको रिएक्टिविटी ऑर्डर में जमाना है एच ओ सी एल के साथ तो इसका मतलब आपको इनमें कार्ब केटाइन बनाकर चेक करना है जैसे इसमें कार्ब केटाइन का बनेगा यहाँ पर इसमें कार्ब केटाइन का बनेगा यहाँ पर इसमें कार्बोकाइट्राइन का बनेगा यहाँ पर और इसमें कार्बोकाइट्राइन कहां पर बनेगा यहाँ पर अब देखो फिर ऐसे बना के चेक करेंगे कि इसमें जैसे यहां पर कार्बोटाइन बनाओगे तो सी CN एन है सीएन के क्या होगा इसको डिस्टेबलाइज करेगा इसका माइनस लगेगा तो आपको खुद को चेक करना है कि इसमें अंतर क्या होगा नेक्स्ट एडिशन करते हैं सेवन नंबर का एडिशन ऑफ एनोसियल इसको हम नाइटोसिल क्लोराइड बोलते हैं जिसको टिल्डेन रिएजेंट भी बोलते हैं ये दो ही जगह यूज होता है एक तो प्राइमरी अमाइन के साथ और एक यहाँ पर तो एडिशन ऑफ एनओ सी क्लोराइड टेंडेड रेजेंट इसको बोलते हैं और बेटा ध्यान रखना ये रिएजेंट एनओ यहाँ पर हमेशा अगर ध्यान नहीं रखोगे तो आपके साथ कुछ न कुछ एरर होने के चांस हो जाएंगे क्यों क्योंकि बच्चा एनओ में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को डिसाइड नहीं कर पाता बच्चा क्या डिसीजन करता है इस सरकार ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन की एन ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और क्लोरिन पे पॉजिटिव तो वो क्या करता है इस एनओ को तो क्या कर देता है न्यूक्लियोफाइल और उसको इलेक्ट्रोफाइल कर देता है जो, है। जो कि गलत है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्लोरिन अब आप बताओ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन की एन ज्यादा है तो ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट करेगा तो इसका मतलब इस पर चार्ज होगा तो ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह और ये बनेगा न्यूक्लियो फाइल की तरह तो याद रखना एनो सी एल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हमें याद होना चाहिए अन्यथा गलती होने के चांस ज़्यादा हैं तो यहाँ एनओ प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और सी एल माइनस न्यूक्लियर है हाँ आगे एडिशन में बात करेंगे तो एल्किन पर एनओ सी एल का एडिशन कराएंगे तो वही प्रोडक्ट होगा हाँ मैकेनिज्म तो इसके मैकेनिज्म हम बात करें तो वही नॉन क्लास केल कार्पेट एंड के हिसाब से तो भी बात कर सकते हैं और वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे पाइप बॉन्ड को मैंने शिफ्ट कर दिया तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा अब हमें पता है सी एल एनओ डब्ल्यू बॉन्ड में से सी एल इस बॉन्ड को अपने साथ लेके आता है तो इस पर क्या हो जाएगा नेगेटिव तो ये अपना नेगेटिव इसको दे देगा और यहाँ पर जो नेगेटिव आया तो ये इस नेगेटिव इसको दे देगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियो है तो इसे एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा लास्ट में टूट कर इसे हो जाएंगे और आप चाहो तो इसकी मैकअरेंजमेंट क्लासिकल नॉन क्लासिकल की तरह भी कर सकते हो कुछ की पॉइंट्स में साइक्लिक ट्रांसिजन स्टेट है वही पा नो रेंजमेंट होगा वो बात ली है प्रोडक्ट स्टीडियो स्पेश हाँ ध्यान रखना प्रोडक्ट स्टीरियो स्पेसिफिक होंगे और रीजियो केमिस्ट्री मार्कोनी प्रुलकाय लगेगा अर्थात न्यूक्लियर फायल में मोर स्टेबल कैटाइन पर अटैक करेगा आई आई टी में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको यहां पर सोल्व करा देता हूँ प्रोपीन मैंने ये लिया है ये एग्जाम्पल लिया आपके प्रोपीन का और प्रोपीन पर हम एनोसियल का अटैक करवाना चाहते हैं तो अनोशियल में एनो ये न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा अंदर और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा बाहर तो प्रोडक्ट प्रोपाइलिन नाइट्रोसो क्लोराइड बन जाएगा अब आता है नेक्स्ट इसके अंदर एडिशन ऑफ कार्बिन एडिशन ऑफ कार्बिन कार्बिन एक इंटरमीडिएट्स होते हैं इंटरमीडिएट वो होते हैं जिनकी शॉर्ट लाइफ एक चीज होती है जो ज़्यादा समय के लिए नहीं होते हैं आपने तीन इंटरमीडिएट तो पढ़ ली होंगे कार्बकेटाइन कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल इसके अलावा तीन और होते हैं उनमें से एक है कार्बिन एक है नाइट्रीन एक है बेंजाइन अभी हम कार्बिन की बात कर रहे हैं कार्बिन भी दो प्रकार की होती है सिंगलेट और ट्रिपलेट वो अपन उस मैके में जब जो है क्या नाम जियो सी है उसमें पढ़ते हैं अभी हम यहाँ पर एडिशन ऑफ कार्बिन की सिंगलेट की बात कर रहे हैं तो कार्बिन के आउटर मोड सेल में सिक्स इलेक्ट्रॉन है और सिक्स इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉन डेफिशियट है और इलेक्ट्रॉन डेफिशियट है तो आपको पता है किसकी तरफ भी योग करेगी इलेक्ट्रोफाइल की तो कार्बिन यहाँ पर स्वयं सेल्फ इलेक्ट्रोफाइल की तरफ योग कर रही है प्रोडक्ट प्रोडक्ट यहाँ पर हमेशा सा साइक्लो बनेगा और वो भी स्टीरियो स्पेसिफिक होगा दूसरी बात रिएजेंट रिएजेंट हम वो लेंगे जिनसे कार्बिन का फॉर्मेशन होता है जिसमें सबसे कॉमन रिएजेंट हम यूज़ करते हैं वो सी एच टू सी एच टू एंड टू अर्थात इसको डाई एजो मिथेन बोलते हैं और भी अगर हम चाहिए तो यहाँ पर CCL2, ये भी यूज कर सकते हैं जो कैसे बनेगा इसका फॉर्मेशन होगा क्लोरोफोम प्लस एल्कोहलिक के ओ एच के प्रजेंस के साथ होगा इसको भी हम यूज कर सकते हैं यह कार्बन टेटाक्लोराइड कार्बिन है कार्बिन इसके लिए रिएक्शन हमने यूज किया ये प्रोपीन हमने लिया है आपको पता है पाई बॉन्ड का होमोक्लिवियत होगा तो एक बॉन्ड इस पर आ जाएगा एक इस पर आ जाएगा तो ये भी फ्री रेडिकल ये भी फ्री रेडिकल हो गया अब आपको पता है कार्बिन के पास दो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड होगा ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड होगा जिससे साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा ऐसे ये बेंजाइन है, है मतलब बेंजिन साइक्लोबेंजिन है इसमें क्लोरोफोम प्लस एल्लिक मैंने भी कहा था कि क्लोरोफोम प्लस एल्कोलिक रिएक्शन करके कार्बिन बनाते हैं तो यही कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा अब एक बॉन्ड इसके साथ जुड़ेगा एक इसके साथ जुड़ेगा और साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा इसी के साथ एलिकीन में ई ए आर रिएक्शन कंप्लीट होती है अर्थात हमने अब तक जो पढ़ा उसमें एल्किन की कंप्लीट ई ए आर कंप्लीट हो गई है अब हम नेक्स्ट वीडियो में एल्काइन के अंदर ई आर पढ़ेंगे अर्थात ई आर इन एल्काइन के